दोस्तों, भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। आपकी एग्जामिनेशन कितने महीनों बाद है? कितने महीने बचे हैं? 4 महीने बचे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो जो गलतियां हमने ग्रुप वन के समय पे करी थी वो अभी मत करना, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप वन अगर आप चाहते हैं तो यू हैव डन इट बेटर। आपको खुद को भी कभी कभी लगता होगा काश मैं थोड़ा सीरियस पहले दिन से हो जाता ना ग्रुप वन में, तो आई वुड हैव डन बेटर। आपसे मेरा इतनी ही आपसे दरख्वास्त है, अगर आप सच में करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हो तो आपका सीरियसनेस है, इसका ये मतलब नहीं है रोज क्लास अटेंड करते हो। क्लास अटेंड करने के बाद में कितनी चीजें आप आउटपुट बनाकर दिमाग में ले जाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी कभी क्लास अटेंड करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो चीजें दिमाग पे होती है और एक चीजें पेजेस पर होती है। दिमाग में आई हुई चीजें भूल सकते हैं पर जो पेपर पे आती है वो चीजें भुलाने का स्कोप नहीं होता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए आपने क्या करना चाहिए, जस्ट मेक श्योर वॉट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास एवरी डे, जस्ट मेक श्योर कि आप साथ साथ में लिखते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लास में बैठे हो और आपका ध्यान किधर और जा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे मेरे पास हो, पर आपकी बुद्धि में कुछ और चल रहा है। ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता भी है, उसमें कुछ नया नहीं है। पर अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ हैबिट वेयर यू कीप राइटिंग इन द क्लास। आप हमेशा लिखते रहो, ये नहीं होना चाहिए कि क्लास में आप 2 घंटे बैठे पर 1 घंटा आपका ध्यान ही नहीं था। बच्चों इतनी मेहनत से, आपको पता है आपकी उम्र में लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, और इन सारे जवानी को सैक्रिफाइस करके आपके दोस्तों की लाइफ देखे, दे आर हैविंग इंटरेस्टिंग लाइफ। आपके पास तो बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, पर जब इतनी चीजें खोकर अगर आप सीए करने का निर्धार निश्चय कर चुके हो तो उसका आउटकम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, हमने जवानी भी नहीं जिया और पढ़ाई भी नहीं किया। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त जो है आपके जिंदगी का चल रहा है, मैं चाहता हूं वो जिंदगी आप जिए। सीए की एग्जामिनेशन इस बार अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो 1 अटेम्प्ट और लगेगा, 2 अटेम्प्ट और लगेगा, और आपके जवानी के जो इंपॉर्टेंट दिन है जहां पे यू कैन हैव गुड फ्रेंड्स, यू कैन हैव बेटर लाइफ, बेटर लाइफस्टाइल, वो आप सब अच्छे से एंजॉय करें, बिकॉज जिंदगी भी तो एक ही बार मिली है। मैं जानता हूं सीए बहुत महत्वपूर्ण है, हमने सीए को प्रायोरिटी देना चाहिए, पर इतना नहीं कि हमने सीए में 4 अटेम्प्ट घला दिए और साथ साथ में जिंदगी भी चले गई, जवानी भी चले गई। इसलिए जस्ट मेक श्योर दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, यू आर मेकिंग इट हैपन। आप क्लास में 100% दे रहे हो, रोज घर जाके भी आप क्लास का पढ़ रहे हो, आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया कि दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, और बाद में जो आर्टिस्टिक का पीरियड आएगा उसमें आपको पढ़ाई नहीं करना पड़ रही, आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी में एंजॉयमेंट, लाइफ, दोस्त, वो सारी मस्ती, वो पिकनिक या ट्रेकिंग, वो सारी चीजें भी इक्वली मायने करती है। वरना 10 साल बाद आपको लगेगा यार मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैं सीए बन गया, जिंदगी झंड हो गई। मैं आपको रिग्रेट नहीं देखना चाहता हूं, 10 साल बाद 5 साल बाद मैं सीए तो हो गया पर मेरे पास कुछ नहीं है, बोलने के लायक कुछ नहीं है, ना मेरे पास स्टोरीज है, ना एग्जाम्पल्स है, ना मेमोरीज है। तो मैं चाहता हूं ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इतना दे दो इसको, अभी आए ना वैसे, अब तो वैसी अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इतनी पढ़ाई कर लो, इतनी जी जान से कर लो कि आने वाले 3-4 महीने में इट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद में वो करो जो जिंदगी आपसे चाहती, जो आप जिंदगी से चाहते हो। आपको मस्ती करना है, आपको फ्रेंड्स बनाना है, आपको ट्रेकिंग पे जाना है, आपको घूमना है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पापा को हेल्प कर रहे हैं, व्हाटएवर, आपको भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो सब करो जो आपने चाहा है। आपको स्पोर्ट्स खेलना है वो करो, ये जिंदगी नहीं है जो आप कर रहे हो। पर एट द सेम टाइम इसको हम ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते। क्या होगा अगर आपने 50% डिवोट किया और 50% नहीं किया, तो आप वापस फेल होंगे, वापस 6 महीने पढ़ाई करना पड़ेंगे, वापस आपको जितने अटेम्प्ट इंसान डिले करता है ना उतना उसका मोटिवेशन कम होता है, वो डीमोटिवेट होता है। ये जो जोश है ना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो अगले अटेम्प्ट में दिखेगा भी नहीं, आपको बोर होगा बढ़ते बढ़ते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये अटेम्प्ट की शुरुआत अभी हुई है, अच्छे से नोट्स बनाओ, रोज जो आपको पढ़ाई जा रहा है रोज पढ़ाई करो। आप कल आते हो तो आपको जो मैं सवाल पूछता हूं आपको खुद रेडीमेड आना चाहिए। 4 सब्जेक्ट रोज 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, घर से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आपसे एक्सपेक्टेड है, और फिर नेक्स्ट डे क्लास में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए जीवन में, वो करो जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसकी ख्वाहिशें आपकी हैं, जो ड्रीम्स आपकी जिंदगी में। क्या कर रहे हो यार, आपके बराबरी के बच्चे देखो, दे आर हैविंग ऑसम लाइफ, आप लोग क्या कर रहे हो, आते हो क्लास में बैठते जाते आते जाते आते जाते कुछ लाइफ में बचा भी है। इसलिए इस चीज को, इस कष्ट को, इस प्रॉब्लम को जल्द से खत्म करना है, सीए इंटरमीडिएट पास करना है और जिंदगी में वो सब कुछ करना जो आपका दिल चाहता है। आपके ऐसे सैड बैठने से, क्लास में ध्यान नहीं देने से,
आपके घर पे नहीं पढ़ाई करने से आपको दो चार अटेम्प्ट लग जाएंगे, फिर आप तुरंत ही फाइनल में आ जाओगे, फिर आपको एंजॉयमेंट का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप समझो जिंदगी में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपको चार अटेम्प्ट सीरियल इंटर में रहना है या एक अटेम्प्ट रह के तीन अटेम्प्ट एंजॉय करना है, ये आपके ऊपर है। ये जिंदगी का वक्त वापस नहीं आना है। आई एम टेलिंग यू, यू विल फील रिग्रेट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपको लगेगा जिंदगी मैंने कुछ किया ही नहीं, और कुछ उम्र इस उम्र में ही कुछ काम करने के होते हैं, बाद में उसके मौके ही नहीं होते। इस उम्र की जो चीजें वो इस उम्र में ही शोभा देती है। कल से क्या बोलेंगे, चलो मैं लेट्स गो टू कॉलेज, 25 साल की उम्र में कॉलेज जाओगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आपके बहुत सारे शौक है, आपको क्रिकेट का प्रैक्टिस करना है, या आपको कोई मान लीजिए गिटार सीखना है, आपको सिंगिंग सीखना है, कुछ चीजें इस उम्र में ही अच्छी लगती करने को। वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीपल विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग यू शुड अर्न, यू शुड सपोर्ट योर फैमिली। सही बनने में आप बोलेंगे मैं गिटार क्लास लगाता, मैं खेल लेता, तो घर वाले बोलेंगे भाई तू कमाएगा कब। तो इसीलिए आपको अगर इन सब चीजों को टाइम देना है, अपने आपके सेल्फ ग्रूमिंग को टाइम देना है, तो वो ये सही वक्त है। अपनी इंग्लिश अच्छी करो, अपना ड्रेसिंग अच्छी करो, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग। अभी बहुत सारा चीजें इंप्रूवमेंट आप में होना बाकी है, वो कब करोगे, सारा टाइम पढ़ाई कर लोगे तो। इसलिए ये अटेम्प्ट में इतनी पढ़ाई करो, तीन चार महीने में सेंटर खत्म होना चाहिए, उसके बाद में ग्रूमिंग को टाइम दो, अपने आप को निखारो। आपकी इंग्लिश, आपकी बातें, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपके दोस्त, आपका एक्सेंट, इन सब चीजों पर कब फोकस करोगे, क्या पूरा जिंदगी से ये पढ़ते रहोगे। जिंदगी में वक्त बहुत कम है आपके पास। आपके बाद में वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपसे लोग उम्मीदें करेंगे, आप पैसे कमाएं, फैमिली को सपोर्ट करें, बाद में जिंदगी झंड हो जाती है, लोग आपको सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे काम 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 काम, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पर कुछ नहीं है। ट्राई टू फिनिश सीए इंटरमीडिएट एज सून एज पॉसिबल एंड फोकस ऑन योर ड्रीम, योर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आप सीए नहीं हो, सीए जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट लाइफ। आपकी जिंदगी में आप एक इंसान भी हो जिसकी अपनी एक इच्छाएं भी है। सीए कर रहे हो, सीए सब कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे अरमान और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में भी सोचो। आज घर पे जाके सोचो कि मेरे जिंदगी में और मेरे अरमान क्या है जिसको मैं नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं, वो भी देखो, और उसको भी कब टाइम देखो वो भी सोचो, वरना पूरी जिंदगी इसमें चले जाएगी। 100% ने 200% अगले चार महीने सेंटर को देख के इसको एक बार खत्म करो, और फिर जिंदगी में वो सब कुछ करो जिसके लिए आपकी चाहत है। समझ आ रहा है आपको? वरना क्या है ना, आपको बहुत रिग्रेट फील होगा, आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसा लगेगा यार टाइम चला गया यार, अब कुछ नहीं होगा। बाद में वंस यू बिकम सी, आप यकीन ट्रस्ट में आपके इसमें कुछ नहीं बचेगा, आपको सिर्फ झकमार के काम करना पड़ेगा, आपके इसमें एक्सक्यूज नहीं, आप किसको बोलोगे क्या। और ऐसा नहीं कि सीए बन जाऊंगा मैं, दो साल बाद काम करूंगा। इंडस्ट्री में लोग पूछेंगे दो साल से वेयर आर यू, कहां थे भाई आप दो साल, क्या कर रहे थे, आपको जॉब नहीं देगा कोई। ऐसा नहीं होता सीए बन गया आप दो साल मजे करेंगे फिर जॉब करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। सीए बने आपको दो महीने के अंदर एक महीने जॉब ज्वाइन करना पड़ता, बिकॉज अगर दो साल का टाइम लेंगे तो कंपनी वाले पूछेंगे भाई साहब कहां थे आप दो साल, क्या कर रहे थे आप, इतना मतलब यू हैव बिकम आउटडेटेड। वो नए फ्रेशर को उठाएंगे, तुमको क्यों उठाएंगे, बिकॉज तुमने तो आउटडेटेड चीजें पढ़ कर गया, तो हर रोज लॉ बदलता है। ये मत सोचना बाद में आपको ऐशोराम की जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला, अभी वक्त है। तीन साल के आर्टिकलशिप मिलने वाला है आपको, उसमें आपको जिंदगी में वो सारी चीजें करना जो आपके शौक है, अरमान है, उसके लिए अभी आपको पास होना बेहद जरूरी है। इसलिए सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन में आपको अभी से ही पास होना, ग्रुप टू में पास होना जरूरी है। इसलिए आपको रोजाना बेसिस पे कमिटमेंट से पढ़ाई करना है, रिविजन करना है, जब टेस्ट बोला तब देना है, वरना हाथ से वक्त चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, रोज चार क्लास हो रहे, 10 घंटे का डेटा इनपुट है, घर पे 2-2.5 घंटे का तभी कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके चीजें आउटपुट में बदलेगी। नहीं तो सिर्फ इनपुट इनपुट इनटेक होगा और प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं याद आएगा। 10 घंटे का डेटा आपके दिमाग में रोज जा रहा है, ट्रस्ट में, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो स्पीड और थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो 10 घंटे का डेटा आपको रोज प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी हो जाएगा। समझ आ रहा है?